Good morning, class. I am your math teacher. Today we are going to start new chapter, chapter 8, measurement. आज हम नया chapter पढ़ेंगे measurement. Measurement मतलब किसी भी चीज को measure करना, उसको नापना जो है. आज हम क्या करेंगे? Measuring length मतलब लंबाई को हम नापेंगे. कैसे कैसे हम उसको नापते हैं, कैसे नाप सकते हैं. आप भी नापते हो ना कोई चीज, पेंसिल आपकी बड़ी हो गई, छोटी हो गई, उसको आप मेजर करते हो ना. वो आज हम देखेंगे कि हम कैसे इसको मेजर करेंगे. ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है आपके. क्या है ये? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. हैंड स्पैन. ये क्या है? हैंड स्पैन. हैंड स्पैन मतलब ये आपके ये अंगूठे से लेकर के ये छोटी वाली फिंगर तक जो होता है, थंब से लेकर के ये हैंड स्पैन. ऐसे हम नापते हैं ना कुछ चीजें, ऐसे इस तरीके ये हैंड स्पैन कहलाते हैं. ठीक है. अब ये नेक्स्ट देखिए, फुट स्पैन. फुट स्पैन में भी हम पैरों को उसके हील से लेकर के टो से टच करके आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम वो नापते हैं. ये ऐसे ऐसे करके हम इसको भी नापते हैं. आपके हील ये यहां से और ये टो तक ये नापेंगे. फिर नेक्स्ट पैर का हील यहाँ आ जाएगा तो आगे चले जाएगा. इस तरीके से हम फुट स्पैन की मदद से भी मेजरिंग करते हैं. ये क्यूबिट. क्यूबिट में क्या होता है? ये आप ऐसे नापते हैं हम, जैसे ये हमारा एल्बो हो गया और ये मिडिल फिंगर से ऐसे नापते हैं इस तरीके, ऐसे रख के है ना. ये क्यूबिट कहलाता है. फिर यहाँ फिंगर रखेंगे, फिर इसको रखेंगे ऐसे और इसे हम क्यूबिट कहते हैं. अब ये है पेस. पेस कैसे? हम कदम अपना एक कदम ऐसे बढ़ाए, फिर दूसरा कदम ऐसे बढ़ाए. इस तरीके से हम अपने कदम से मेजरिंग करते हैं कि कितने कदम की दूरी है. ये है मेजरिंग टेप. इससे बिल्कुल करेक्ट मेजर होता है टेप के जरिए. आप देखे होंगे आपके घर में कुछ चीज बनती है जब लंबाई चौड़ाई, तो हम टेप से नापते हैं. आप बाजार कभी कपड़ा लेने गए होंगे तो कपड़ा वाला जो है वो टेप का यूज करता है कपड़ा नापने के लिए, मीटर के लिए. कितने मीटर कपड़े चाहिए तो वो मीटर के अकॉर्डिंग उसको नाप के देता है. ठीक है. मेजरिंग का मीटर जो होता है, मीटर से हम मेजर करते हैं. ये देखिए रूलर. रूलर स्केल आप सब अपने पास रखते हो ना, आपके सब होती है स्केल सबके पास, पेंसिल बॉक्स में आपके. ये देखिए रूलर, इससे भी हम मेजर करते हैं. कैसे मेजर करते हैं देखिए. मान लीजिए ये आपकी पेंसिल, इससे हम कैसे मेजर करेंगे? ये सेंटीमीटर है और इधर इंच है. सेंटीमीटर में हम जब मेजर करेंगे तो मेरी पेंसिल जो है वो 13 सेंटीमीटर की है. ठीक है. कितनी सेंटीमीटर की है? 13 सेंटीमीटर की है. तो ये स्केल हो गया. इस स्केल से भी हम मेजर करते हैं. आपको कुछ लाइन मैम बोल देती है ना कि लाइन खींचो 10 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, तो हम ऐसे स्केल रख के और ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं उतनी सेंटीमीटर जितनी हमको जरूरत होती है. ठीक है. ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सबको समझ में आ गया. हैंड स्पैन इस तरीके से है. ठीक है. फुट स्पैन आपके हील से आपके टो तक की दूरी जो है हम ऐसे पैर रख के नापते हैं, उसे हम फुट स्पैन कहते हैं. क्यूबिट एल्बो से लेकर के मिडिल फिंगर तक की, ऐसे इस तरीके है, मिडिल फिंगर तक की दूरी क्यूबिट कहलाती है. और ये पेस आपके कदम, जितने आप कदम रखते हैं वो. मेजरिंग टेप, ये मेजरिंग टेप है जो मार्केट में मिलता है और इसके टेप से हम नापते हैं मेजर. इससे एक्चुअल मेजरमेंट हमारा वो टेप और स्केल से होता है. ठीक. अब देखिए, जैसे आपको अगर कोई बोल देगा कि कोई चीज लंबी है कोई चीज छोटी है, तो कैसे करें? हम कंपेयर करेंगे ना एक दूसरे के साथ में. जैसे ये बुक है तो इस बुक की लंबाई और इस कॉपी की लंबाई में डिफरेंस है कि नहीं? ये कॉपी इस बुक से छोटी है, इसकी लेंथ इससे कम है ना, छोटी है. अब ये रजिस्टर हो गया. अब ये रजिस्टर और ये बुक में मेजर करेंगे तो देखेंगे इसकी लेंथ, तो बुक की लेंथ कम हो गई और रजिस्टर की लेंथ ज्यादा है. अब जब मैं अपने हैंड स्पैन से इसको नापती हूँ बुक की लेंथ, तो
वन हैंड स्पैन और ये हाफ, ठीक है। और जब रजिस्टर को नापती हूँ, देखिए ये वन टू हैंड, ओके। इस तरह से हम मेजर करेंगे, तो रजिस्टर क्या हो गया, वो बुक की कंपैरिजन में इसकी लेंथ लंबी है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम और भी चीजें हैं जिसको हम टेप या स्केल से भी मेजर कर, मोबाइल कवर है और इसको हम देखिए स्केल से मेजर कर रहे हैं तो 15 सेंटीमीटर का है। आप भी ऐसे प्रैक्टिकल अपने घर में करके देखिएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं आपको जो एक्सरसाइज दूंगी उसको भी आप, जैसे आपके बेड का नाप कितना है, आपकी स्टडी टेबल का कितना है, वो आप अपने हैंड क्यूबिट या हैंड स्पैन से नाप के आप मेजरिंग करेंगे और अपनी नोटबुक में उसको लिखेंगे, ओके। आई होप आपको ये मेजरमेंट लेंथ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मेजरिंग वेट पढ़ेंगे। थैंक यू।